Assalamualaikum, नमस्ते सस्रियाकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी बॉलीवुड हिंदू धर्म विरोधी। और चलिए मिलके देखते हैं, आरजे रौनक की कमाल की वीडियो होती है हमेशा से। पहले मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पिछले 1 दिसंबर को एक तमिल फिल्म रिलीज हुई थी अन्नपूर्णी, जिसका हिंदी में मतलब होता है अन्न की देवी। ये फिल्म 1 तारीख को आने वाली सैलरी की तरह कब आई और कब गई किसी को पता ही नहीं चला। ओरिजिनली तमिल में रिलीज हुई ये फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हो गई, मगर 29 दिसंबर को ये फिल्म हिंदी समेत कई और रीजनल लैंग्वेजेस में OTT पर रिलीज होती है। फिल्म के OTT पर आते ही हंगामा मच जाता है, लोग इस फिल्म का कॉन्टेंट देखकर हैरान हो जाते हैं। फिल्म में इतने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल सीन्स थे कि लोगों का दिमाग चकरा गया। एक सीन में फिल्म का मुस्लिम हीरो वाल्मीकि रामायण का हवाला देकर भगवान श्रीराम को मांसाहारी बता रहा है। एक सीन में हिंदू हीरोइन एक कंपटीशन में बिरयानी बनाने से पहले नमाज पढ़ती है। एक सीन में एक मुस्लिम महिला हिंदू हीरोइन को बताती है कि बिरयानी बनाने से पहले वो नमाज पढ़ती है तो बिरयानी अच्छी बनती है। कोई सेंस है इस बात का? एक सीन में हिंदू हीरोइन अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के लिए माँ बाप से बगावत कर देती है। अरे देवा। देखते ही देखते ये सारे सीन सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लोग सवाल करने लगे कि भैया ये क्या है, बिरयानी बनाने का नमाज पढ़ने से क्या लेना देना? ये फूड यानी भोजन कब से हिंदू मुस्लिम हो गए? और नमाज पढ़ने से अगर मुस्लिम महिला बिरयानी अच्छा बनाती है तो तुमने हिंदू हीरोइन को सिर ढकवाकर बिरयानी बनाने से पहले नमाज क्यों पढ़वा दी? हेलो, ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है? इसके उलट अगर कोई फिल्म बनाने से पहले ये दिखा देता कि मुस्लिम हीरोइन हलवा बनाने से पहले भगवान राम की पूजा करती है तो क्या लोग इसे हजम कर लेते? बताइए, क्या कोई लॉजिक है इस बात में? ये सरासर प्रोपेगेंडा नहीं है तो क्या है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हैरानी ये है कि जब कश्मीर फाइल्स या केरला स्टोरी जैसी सच्ची कहानियों पर फिल्में बनती हैं तो लोग इसे प्रोपेगेंडा बताते हैं। ये साबित करते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तब यही लोग शिकायत करते हैं कि ऐसी फिल्में तो एक कौम को गलत नजर से दिखाने के लिए बनाई गई। तब ये लोग इस फैक्ट पर बात बिल्कुल नहीं करते कि क्या सचमुच कश्मीर से लाखों हिंदू भगाए गए थे या नहीं, क्या वहां हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था या नहीं। ये लोग ऐसे एक भी फैक्ट पर बात नहीं करते। केरला फाइल्स में जिन 3-4 लड़कियों की जिंदगी पर फिल्म बनी है वो आज भी केरल में हैं। चाहे आप तो खुद उनसे जाकर बात कर सकते हैं और सच जान सकते हैं, मगर ये उनसे बात करेंगे नहीं। जिन लड़कों ने लव जिहाद करके उनका फायदा उठाया वो आज भी केरल में अपना काम धंधा कर रहे हैं, मगर इनमें से उन्हें किसी ने नहीं ढूंढा। तब भी इन लोगों ने सिर्फ इस बात पर हल्ला काट दिया कि ऐसा तो केरल में सिर्फ कुछ लड़कियों के साथ हुआ था, फिल्म के ट्रेलर में आंकड़ा बढ़ाकर क्यों दिखाया गया? अरे चचा, अरे ओ चचा, मैं कहता हूँ तुम आंकड़े छोड़ो, अगर ऐसी 20 भी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था तो क्या वो मसला नहीं था क्या? हाँ बताइए, चाहे कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी, दोनों ही फिल्मों के रिलीज के टाइम पर एक सेक्शन ऐसा था जो इन फिल्मों को प्रोपोगंडा फिल्म में बता रहा था, और फिल्म में बताए किसी भी कॉन्टेंट पर वो लोग बात करने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब अन्नपूर्णी जैसी विशुद्ध 24 कैरेट खरी प्रोपोगंडा फिल्म बनती है तो यही लोग फेविकॉल की लस्सी बनाकर अपना मुंह सी लेते हैं। वरना आप ही बताइए, ऐसी कहानी का क्या मतलब है जिसमें फिल्म की हीरोइन को आप पुजारी की बेटी दिखाते हो? वो पुजारी की बेटी जिसके घर में कभी नॉनवेज नहीं बना, और जाहिर तौर पर बनेगा भी क्यों? लेकिन कॉलेज पहुंचने पर अचानक ये लड़की को लगता है कि नहीं नहीं उसे तो शेफ बनना है, मगर वो नॉनवेज तो काट नहीं सकती। लड़की जब इस कंफ्यूजन में होती है तभी उसे इस कंफ्यूजन से निकालने के लिए उसका मुस्लिम बॉयफ्रेंड आ जाता है। मुस्लिम बॉयफ्रेंड उसे कन्विंस करता है कि अरे भगवान राम भी तो मांसाहारी थे, तो तुम इतना क्यों हिचकिचा रही हो? अब देखिए, मेरे इस पर बहुत सारे सवाल हैं। पहली बात तो ये कि किसने कह दिया कि अगर कोई इंसान शेफ बनना चाहता है या दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल शेफ हैं उन्हें नॉनवेज बनाना ही पड़ता है? फिल्म की हीरोइन बिना नॉनवेज बनाए भी तो शेफ बन सकती थी। फिल्म कोई सऊदी अरब में तो बन नहीं रही है, या किसी ऐसे देश की कहानी तो है नहीं कि जहां पर लोग वेज नहीं खाते? आज भी भारत में एक बहुत बड़ी आबादी है जो सिर्फ वेज खाती है। ऐसे में उस लड़की की क्या मजबूरी हो गई है कि भैया मुझे शेफ बनना है तो नॉनवेज तो काटना ही पड़ेगा या खाना ही पड़ेगा? बताइए। चलो एक पल के लिए ये मान भी लिया कि लड़की को नॉनवेज बनाना था, मगर इस बात को कन्विंस करवाने के लिए वहां एक मुस्लिम बॉयफ्रेंड की ही क्या जरूरत थी? बताइए, मुस्लिम बॉयफ्रेंड अगर दिखाया भी हो तो वो वाल्मीकि रामायण को कोट करके उसे कन्विंस कर रहा है। वाल्मीकि रामायण इतला सुनद। वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले, हद हो गई 150 पंक्ति की। इस तरह तो कल को कोई इसके उलट फिल्म बना दे जहां पर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हिंदू हीरो मुस्लिम हीरोइन को किसी ऐसे बात के लिए कन्विंस करता है जो उसके फेथ के अगेंस्ट हो, और लड़की जब ना माने तो वो उसे उसी के मजहब पर ज्ञान देने लगे। वाह बेटे वाह।
अब आते हैं सबसे बड़े झूठ पर, वही झूठ जो कुछ दिन पहले एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने बोला था, और वही झूठ इस फिल्म के मुस्लिम हीरो के मार्फत फिर से फैलाया जा रहा है। और झूठ ये कि भगवान राम मांसाहारी थे। इसे झूठ साबित करने के लिए हमारे पास यूं तो कई सारे तर्क हैं और कई सारे पॉइंट्स हैं, हम एक एक करके आइए उस पर बात करते हैं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और जो लोग ऐसी बातें फैला रहे हैं ये वीडियो उन तक भी जरूर पहुंचाइएगा। इनफैक्ट इस वीडियो को दबा के शेयर करिएगा जिससे ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, ठीक है। तो देखिए, पहली बात ये है कि वाल्मीकि रामायण में जिस मांस शब्द का प्रयोग हुआ है उसका इकलौता मतलब मांस ही नहीं होता। हेलो, प्राचीन संस्कृत हिंदी शब्दकोश के मुताबिक यहां मांस शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला मांस यानी गोश्त, दूसरा मछली का गोश्त, और तीसरे का अर्थ होता है फल का गूदा। वेदों के जानकार ये कहते हैं कि जिस मांस शब्द का इस्तेमाल करके ये कहा जा रहा है कि भगवान राम मांसाहारी थे, वो फलों का गूदा ही है और कुछ भी नहीं। क्या समझे? हिंदी और संस्कृत के विद्वान नित्यानंद मिश्र जी बताते हैं कि महाभारत के अनुशासन पर्व में तो भीष्म ने युधिष्ठिर को विस्तार से बताया है कि भगवान राम मांस नहीं खाते थे। इसके अलावा वेदों और भारतीय परंपरा के बड़े जानकार डॉक्टर आर रंगन की भी इस विषय पर राम इनसाइट्स इस नाम से किताब आई है। डॉक्टर रंगन आर्ग्यू करते हैं कि अगर वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के 6 बार मांस खाने की बात है तो वहां 20 ऐसे प्रसंग भी हैं जहां भगवान राम सिर्फ फल और कंदमूल खाने की बात कर रहे हैं। यहां तक कि सीता जी भी प्रतिज्ञा करती हैं कि वो लोग मांसाहार का सेवन नहीं करेंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांसाहार खाते ही थे, तो भगवान राम भी खाते ही होंगे। डॉक्टर रंगन कहते हैं कि उस वक्त तो क्षत्रिय एक से ज्यादा शादियां भी करते थे, मगर भगवान राम ने तो नहीं की, इसलिए सिर्फ उनके क्षत्रिय होने की बात करके उनके बारे में झूठ नहीं फैलाया जा सकता। भगवान श्री राम ने वनवास जाने से पहले भी प्रतिज्ञा ली थी कि इन 14 वर्षों में मैं निर्जन वन में रहूंगा और मुनियों की भांति बिना मांस खाए सिर्फ मधु मूल और फल पर जीवित रहूंगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इतने तर्क किसी भी इंसान को यह विश्वास दिलाने के लिए काफी हैं कि हकीकत आखिर है क्या। मगर यह देखकर हैरानी भी होती है और दुख भी होता है कि प्रभु श्री राम के विशाल व्यक्तित्व से कोई सीख लेने के, उनके गुणों की चर्चा करके उसे जीवन में उतारने के, कुछ लोग उनके इर्द गिर्द हवाई विवाद पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। बताइए, अभी तो हम फिल्म अन्नपूर्णी का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हिंदी फिल्में तो सनातन के ऐसे अपमान से भरी पड़ी है। ऐसी कितनी ही फिल्में आपने देखी होंगी जिसमें विलेन को तिलकधारी दिखाया जाता है, अपराधी को मंदिर का पुजारी दिखाया जाता है। 1957 में एक फिल्म आई थी मदर इंडिया, उसमें दिखाया कि लाला का कैरेक्टर हीरोइन का रेप करता है। रेप वाले सीन से पहले दिखाया गया है कि कैसे वो आरती कर रहा है। उसी तरह 80s में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म में हीरोइन बनारस की घाट पर मदद मांगती है और उसके साथ वहां पर दुष्कर्म हो जाता है, वहां भी लोग एक मंत्र जाप कर रहे होते हैं। इसी तरह 1982 में अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद मेहरा की एक फिल्म आई थी बेमिसाल। इस फिल्म के एक सीन में अमिताभ बच्चन कहते हैं, या यूं कहें कि डायलॉग राइटर्स उनसे कहलवाते हैं कि यूं तो सारे हिल स्टेशन अंग्रेजों ने बनाए थे, मगर कश्मीर इकलौता ऐसा हिल स्टेशन है जिसे मुगलों ने खोजा था। क्या बात है, कश्मीर को मुगलों ने खोजा। सच में यार, मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि जिस वक्त राइटर ने ये बात लिखी क्या उन्हें सच में ये नहीं पता था कि कश्मीर को किसने खोजा। और कुछ नहीं तो अगर राइटर ये भी सर्च कर लेता कि कश्मीर का नाम कश्मीर आखिर पड़ा कैसे, उसे तभी इसकी हकीकत पता लग जाती। अरे भाई, जिस कश्मीर का नाम ही ऋषि कश्यप के नाम पर है, जो सैकड़ों सालों तक कश्मीरी पंडितों की भूमि रही है, उसके लिए फिल्म का किरदार बड़ी बेशर्मी से कह रहा है या उससे कहलवाया जा रहा है कि इसे तो मुगलों ने खोजा। और इसी सीन में जैसे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि कश्मीर को तो मुगलों ने खोजा है, तो राखी का कैरेक्टर पलट कर बोलता है, मुगलों का तो जवाब ही नहीं, उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। समझ रहे हो ना? अब आप देख रहे हैं किस तरह चीजें धीरे 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 जनता के मन में फीड की जाती है। अब ये सब अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी करे तो समझ में भी आता है, मगर फिल्म की आड़ में इस तरह का एजेंडा चलाना सच में शर्मनाक था। दोस्तों, हिंदू पुजारी का बलात्कारी होना, हिंदू विलेन का तिलकधारी होना, संस्कृत निष्ठ हिंदी बोलने वाले को जोकर बताकर पेश करना, मुगलों की शान बढ़ाने के लिए कश्मीर की खोज को जबरन उनसे जोड़ देना, ये सब प्रोपेगेंडा नहीं था तो और क्या था, बताइए। और यहाँ एनिमल फिल्म में बॉबी देओल के कैरेक्टर को मुस्लिम दिखा देते हैं तो इसमें कुछ लोगों को सांप्रदायिक साजिशें नजर आती है। हेलो, क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मगर हैरानी की बात यह है कि आज सोशल मीडिया के इतना स्ट्रांग होने के बावजूद, आम लोगों में अपने कल्चर को लेकर इतनी अवेयरनेस बढ़ने के बावजूद, कुछ लोग एजेंडा फैलाने से बाज नहीं आ रहे।
और ये देखकर और भी ज्यादा दुख होता है कि एक तरफ पूरा देश, पूरा समाज, देश का हर गली मोहल्ला राममय हो चुका है, लोग सिर्फ 2 महीने में दूसरी दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी प्रभु श्री राम पर आपत्तिजनक बातें करने में लगे हुए हैं। मगर जैसा कि कहते हैं ना कि सूरज पर थूकने से सूरज तो नहीं बुझता, मगर आपका मुंह जरूर गंदा हो जाता है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं ऐसे लोगों के साथ जो लगातार ऐसी बातें करके अपना मुंह, अपनी जबान गंदी करवा रहे हैं। बाकी हम ऐसे लोगों की खबर बराबर लेते रहेंगे ताकि इन्हें यह पता रहे कि यूं ही झूठ बोलकर नहीं निकला जा सकता। इनके हर एक पाप का हिसाब किया जाएगा, इनके हर एक झूठ का पर्दाफाश किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा हिसाब किताब अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा तो ये वीडियो शेयर करके इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। बाकी जल्द ही हम उन नेताओं का भी हिसाब करेंगे जिन्होंने अब ऑफिशियली प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन अयोध्या जाने से मना कर दिया है। इनके ऊपर भी एक वीडियो जल्द यहां पर लाएंगे। फिलहाल जाएंगे, आप चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, फेसबुक पे देख रहे हो तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक शब्द, कम से कम एक शब्द तो उन लोगों के लिए जरूर लिखिएगा जिनकी बात, जिनका प्रोपेगेंडा हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। और एक बार थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था आरजे रौनक का और बॉलीवुड एंटी सनातन, इस ये था आज का वीडियो और कई सारी उसकी मिसालें दी गई, कई सारी चीजें पेश की गई। और कहीं ना कहीं लगता है ऐसा ज़रूर होता है, लेकिन किसी ने प्रोपोगंडा अपने माइंड में रख कर कोई फिल्म बनाई है ऐसा लगता नहीं होगा। हर किसी की अपनी सोच होती है फिल्म लिखने में, फिल्म को फिल्म ही कहना चाहिए, और फिल्म का जो किरदार होता है वो किसी भी, जो पहले भी वो कहते हैं कि ये किसी से मिलता जुलता नहीं है, किरदारों की मुशाबत नहीं है, ये सब एक फेक कहानियां होती हैं, तो अगर हम उसको उतना ही रखें और समझें तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा भी, आप देखें हमने बहुत सारे विलन जो है, बल्कि हमने अक्सर ही विलन देखे जो मुस्लिम होते हैं, और मुस्लिम को तो कहते हैं कि है ही आतंकवादी, और आतंक, और देखिए हम फिर वहां पे कहते हैं कि भाई हैं तो फिर हैं, जितने भी विलन दिखाए वो सब सनातनी दिखाए, उन्होंने तिलक लगाया, पंडित दिखाया, ये जो विलन है वो क्रिश्चियन दिखा दे, विलन जो है वो मुस्लिम दिखा दे, विलन जो है फिल्म में एक ने तो विलन उन्होंने बनाया है, हिस्सा सारे वो किसी भी धर्म से बन सकता है। अब मैं समझता हूँ कि जो हमारे मजहबी मौलाना साहब हैं उनमें ज्यादा करप्ट है, आम लोगों की निस्बत उनकी सोच ज्यादा गंदी और मैली है, वजह बच्चों का बलात्कार करते हैं और ऐसी ऐसी अपने लिए कुछ अलग कानून बना रखे हैं, लोगों को कुछ और बताते हैं। तो ये हर जगह मौलाना में भी है, ये पंडितों में भी है, ये जो पादरी हैं उनमें भी है, सब में यार एक बात भी है, राम पे जो विवाद करते हैं वो गलत है, वो गलत है, वो सरासर गलत है। कोई शाकाहारी कहता है, कोई फलाना कहता है, वो कोई कहता है मेथी की भाजी खाते थे, कुछ देखे वो खाते तो थे, जो कुछ ना कुछ तो खाते थे, जो धर्म 1000 साल पहले की बात है। देखिए जो धर्म था उनका, जो उनके लिमिट है, जो उन्होंने बता दिया गया, अब उस पे दोबारा बात करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह लोग उसको मानकर चलते हैं ऐसे ही मानकर चला जाए, जो भी इसका विरोध करेगा वो उसको वो खुद अपने पांव पे कलाड़ी मारने वाली बात है। जैसे हमारा दीन है और दीन इस्लाम में जो जो चीजें कही गई हैं उस वक्त के हिसाब से हम उसको मान कर चलते हैं, और आज अगर कोई उसके खिलाफ बात करता है तो उसका सर कलम करने वाली नौबत आ जाती है, ऐसे मिनटों में आ जाती है। तो ये है कि वो उस पर बात करनी ही नहीं चाहिए, वो जैसे था वो वैसे था, रामराज कैसा था, ये सिर्फ एक सियासत और पॉलिटिक्स खेलने की बात है। के लिए मीठा जुगल देते हैं। फिल्मों में ड्रामों में क्या होता है क्या नहीं, फिल्म मजाक के खिलाफ जो है ना ये होते रही है फिल्में। अब देखिए द केरला स्टोरी, अब जो मुस्लिम जो समाज होगा उसको बुरा लगेगा ही लगेगा, भाई ये हमें टारगेट करने की जरूरत, कम लोग होंगे जो समझेंगे कि भाई इसमें कुछ मैसेज दिया गया है, आपकी जो समाज है वो बेहतरी की तरफ आए, उसमें ये खराबियां हैं। हाँ, उसमें ये भी मैसेज था कि जो हिंदू महिलाएं हैं उनमें अवेयरनेस आए, और ये आई भी है, बहुत ज्यादा ये अवेयरनेस आई भी है द केरला स्टोरी से कि भाई बच के रहो, मुस्लिम बॉयफ्रेंड ऐसे ऐसे तुम्हें ख्वाब दिखाते हैं, फिर तुम्हें करना वही पड़ता है जो वो और उसका परिवार चाहता है, नहीं करोगे फिर खुदकुशियों की नौबत आती है, खुदकुशी वो खुद नहीं करती तो उसको मार दिया जाता है, और फिर ये सारे सीन चलते हैं। ऐसे बहुत सारे केरला स्टोरी हो या ना हो, हमें जो अवेयरनेस देनी चाहिए अपने बच्चों को, उससे चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के साथ भी ऐसे रिलेशंस
रखने की इजाजत नहीं देता कोई भी मजहब, क्योंकि आपके माँ बाप की इज्जत आपके साथ जुड़ी होती है, खास करके महिला और पुरुष के साथ भी होती है, लेकिन पुरुष को हम और तरीके से देखते हैं, लड़कों लेकिन लड़कियों के ऊपर हमारी पाबंदियां और तरीके से होती हैं। लेकिन चीज ये है कि लड़कियां जो है वो आप देखिए वो हर चीज के ऊपर आप आगे बढ़ रही हैं, बराबरी के समाज में अपना नाम रोशन कर रही हैं, तो अब उन चीजों को अगर लड़कियां फॉलो करना शुरू कर दें तो वो और आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन जब वो बेरा रवि का शिकार हो जाती हैं, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये मुस्लिम लड़के जो है ना उसको, अब देखिए ये लव जिहाद को जो है ना उसके ऊपर वो फायदा उठाते हैं, कुछ लोगों ने उठाया है लेकिन सारे ऐसा नहीं उठाते, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़की जिन्होंने शादियां की हुई हैं और वो अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। देखिए कई सारे ऐसे भी केसेस हैं, मैंने अक्सर लोगों से बात की है कि लड़के अपना नाम बदलते हैं, नाम बदल के अपना आपको हिंदू बताते हैं, फिर जब वो उनके रिलेशंस बहुत पक्के हो गहरे हो जाते हैं फिर वो उनकी असलियत खुलकर सामने आती है। तो कई तो ऐसे हैं कि शादी के बाद उनकी असलियत खुलती है, तो ये तो सरासर धोखा दही है। बिल्कुल ये धोखा दही वो नियत ही धोखा देने की है, तो फिर उस पर क्या किया जा सकता है। आई होप सो आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।